हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है संबंध एवं फलन कवर कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.1, और ये प्रश्न संख्या एक का पांचवा प्रश्न है। पांचवे में भी जो है पांच पार्ट दिया गया है, उसमें से हमारा ये जो है पार्ट ए है। अभी तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इसमें ये कह रहा है कि एक रिलेशन दिया गया है आर बराबर करके एक्स वाई में। वो रिलेशन इस प्रकार से है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब ये हुआ इसका कि x y कोई व्यक्ति हैं जो एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो हम लोग x y में रिलेशन पहले तैयार कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है रिलेशन वो आप देख लीजिए। पहले मान लेते हैं यह ए है और यह बी है। एक्स वाई जेड करके कोई व्यक्ति है, एक्स वाई जेड करके, और इनमें क्या क्या संबंध हो सकता है। तो हम लोग पहले रिलेशन हम लोग बनाते हैं कि रिलेशन क्या हो सकता है। तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन हो सकता है। पहले मैं यक्स को लेकर के रिलेशन बना रहा हूँ। यक्स का यक्स के साथ, यक्स का वाई के साथ, और यक्स का जेड के साथ। फिर देखिए वाई का यक्स के साथ, और वाई वाई के साथ हो सकता है, और वाई जेड के साथ हो सकता है। इसी प्रकार से जेड को जेड के साथ मैं रिलेशन बना सकता हूँ कि जेड 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 के साथ हो सकता है, जेड एक्स के साथ हो सकता है, और जेड वाई के साथ हो सकता है। तो ये जो है कुछ रिलेशन मैंने तैयार किया है। यह एक्स वाई जेड, एक बार फिर से बता दें, यह सब व्यक्तियों की संख्या है जो एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो एक्स एक्स के साथ भी काम कर सकता है, एक्स वाई के साथ, एक्स जेड के साथ। इस प्रकार से कुछ रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया रिलेशन हम लोगों का। अब इसके बाद हमें इसमें क्या दिखाना है, हमें इसमें जो है स्वतुल्य संबंध दिखाना है, रिफ्लेक्सिव को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो जब मेरा आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ए ए अगर बिलोंग्स है आर से, या बी वी बिलोंग्स है आर से, या मान लीजिए सी सी बिलोंग्स है आर से, यदि ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यक्स का यक्स से संबंध है ये इस रिलेशन में आ रहा है, ठीक, और वाई वाई भी आ रहा है इस रिलेशन में। मैंने तीन एलिमेंट्स लेकर रिलेशन तैयार किया है, और जेड का जेड से भी आर में रिलेशन है। तो इसलिए यह जो संबंध है क्या होगा, यह स्वतुल्य संबंध होगा, यह स्वतुल्य संबंध होगा। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से आप स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे। इसके बाद क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक सममित हिंदी होती है, सममित संबंध, ठीक है। तो सममित संबंध का डिफिनेशन क्या बताया गया था कि एक्स वाई यदि बिलोंग्स हैं आर से, या मान लीजिए y का x से संबंध है, y x संबंधित है r से, तो यदि ऐसा है किसी रिलेशन में तो हम लोग उसे क्या बोल देते थे, स्वतुल्य बोल देते थे। तो हम लोग ऐसा यहाँ पर देख रहे हैं कि x y हमारे रिलेशन में है, x y है रिलेशन में, और y का x में भी होगा कहीं, y जो है x के साथ भी है, वाई एक्स भी बिलोंग है आर से। तो इस प्रकार से यह जो है यह क्या है, सममित संबंध है।
अतः यह एक सममित संबंध है। यह एक क्या संबंध है? यह एक सममित संबंध है। इसके बाद हम लोग दिखाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स हैं आर से, यानी आर कोई रिलेशन है उसमें एक्स वाई आते हैं, और वाई जेड भी संबंधित हैं आर से, तो यदि एक्स और जेड भी संबंधित हो जाएं आर से, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोल देते थे? संक्रामक संबंध बोल देते थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो रिलेशन मैं तैयार किया हूँ, मैं उसमें दिखा रहा हूँ आपको, एक्स वाई बिलोंग्स है आर से। आप देख रहे हैं एक्स वाई जो है हमारे रिलेशन में आ रहा है, और वाई जेड भी रिलेशन में आ रहा है। वाई जेड यहाँ पे देख सकते हैं, वाई जेड है रिलेशन में, और एक्स जेड देखिए, एक्स जेड भी है इस रिलेशन में। एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अतः यह एक संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक संबंध होगा। तो अगर आपको स्वतुल्य संबंध दिखाना है तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। स्वयं का स्वयं से संबंध यदि किसी रिलेशन में है, जैसे ए ए बिलोंग्स आर है, बी बी बिलोंग्स आर है, सी सी बिलोंग्स आर है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अगर ऐसा है तो सममित संबंध होगा। यदि इस प्रकार से रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या एक का जो पांचवा है उसका जो बी पार्ट है, ये कह रहा है कि रिलेशन एक्स वाई में इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो सेम प्रश्न है एज इट इज, जैसे मैंने पीछे लगाया, एक ही स्थान पर हैं या एक ही मोहल्ले में रहें, बात एक ही होता है। तो चलिए इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। वैसे जो मैंने पिछला क्वेश्चन लगाया है सेम वही, इसका भी सॉल्यूशन वही होगा। तो यहाँ भी आप लोग रिलेशन बना लीजिए एक्स वाई में। मैं सिर्फ इसमें एक्स वाई में ही रिलेशन बना देता हूँ। चलिए, तो रिलेशन जब हम लोग बनाएंगे तो एक्स का एक्स के साथ हो जाएगा और एक्स का वाई के साथ हो जाएगा, वाई का एक्स के साथ और वाई का वाई के साथ। तो अगर दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ही स्थान पर हैं, तो उनमें इस प्रकार से रिलेशन हो सकता है। तो अब हम लोग जब रिफ्लेक्सिव इसके लिए दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य के लिए बहुत ईजी है। तो स्वतुल्य का डिफिनेशन क्या कहता है कि x कामा x बिलोंग्स R से है, या y कामा y बिलोंग्स R से है, या z कामा z बिलोंग्स R से है। यदि ऐसा है किसी रिलेशन में तो हम उस लिए क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x कामा x भी है और y कामा y भी है, क्योंकि z इसमें नहीं है, नहीं तो z कामा z भी होता इसमें, तो इसलिए यह क्या होगा? यह स्वतुल्य संबंध होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यह क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। क्लियर है? दूसरा हम लोग क्या दिखाते हैं? सममित के लिए दिखाते हैं। सममित को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध।
तो सममित संबंध का डिफिनेशन ये होता है कि यक्स वाई बिलोंग्स आर से है और वाई यक्स भी बिलोंग्स यदि आर से है, यदि ऐसा है तो हम लोग इसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो आप देखिए यक्स वाई है हमारे रिलेशन के अंदर और वाई यक्स भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक संबंध हो जाएगा। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, या ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। तीसरा इसका जो है वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध का जब मैं डिफिनेशन बताया था तो संक्रामक संबंध क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स हैं आर से और वाई जेड मान लीजिए ये भी बिलोंग्स है आर से, और फिर जो है एक्स का जेड से हो जाए संबंध आर से, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते थे, संक्रामक संबंध बोलते थे। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमारे रिलेशन में तो है एक्स वाई है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई है, वाई अगर इसमें जेड रहता तो जेड भी रहता, जेड से भी हो जाता और फिर एक्स और जेड से भी संबंध हो जाता। अगर हम इसी को तीन पार्ट्स में लेकर के संबंध बताते तो हमारे संबंध और भी हो सकते थे, इसलिए जब आप एक्स वाई जेड में इसमें रिलेशन बनाएंगे तो आपके पास इसी प्रकार से रिलेशन बनने वाला है, यानी एक्स वाई आर से रिलेशन में है और वाई जेड भी आर से रिलेशन में है, तो ये 100% होगा कि एक्स और जेड भी आर से क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। अतः ये भी क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था 5 का सेकेंड पार्ट। ये जो है प्रश्न संख्या 5 का सी पार्ट ये बोला है कि यक्स और वाई में इस प्रकार से रिलेशन है कि यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। थोड़ा सा देखिए, ये मान लेते हैं यक्स है और ये क्या है, वाई है। अगर वाई 7 है तो यक्स कितने का होगा, 14 होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर वाई 7 का है तो यक्स कितने का हो जाएगा, 14 का। दोनों में अंतर कितने का है, 7 का है अंतर। तो हम लोग जब इसमें दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य का डिफिनेशन ये बोला जाता है कि यक्स यक्स बिलोंग्स होना चाहिए आर से, या वाई वाई बिलोंग्स होना चाहिए आर से, या जेड कामा जेड बिलोंग्स होना चाहिए आर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह यक्स वाई दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे यक्स यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये जो पहला होता है यक्स होता है और ये दूसरा वाई होता है। तो यहाँ पर मैंने जो यक्स एक्स लिखा है, यह पहला इसके लिए है और ये जो यक्स लिखा गया है ये इसके लिए है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग आर्डर पेयर बनाते हैं क्रमित युग्म, तो जो उसमें पहला रहता है वो यक्स रहता है और जो दूसरा रहता है वाई रहता है। तो हम लोग यक्स वाई से ये कंपेयर करके लिखे हैं, तो इसलिए यक्स यक्स जो होगा इस रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 का अंतर आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम लोग इसका दिखाएंगे सममित संबंध, सममित संबंध।
तो जब सममित संबंध आप दिखाएंगे तो सममित संबंध में क्या बोला जाता है कि x y बिलोंग्स r से होना चाहिए और y x भी बिलोंग्स होना चाहिए r से। तो क्या ऐसा इसमें आपको दिख रहा है कि x कामा y, यह x है यह कामा y है, ये बिलोंग्स r है, लेकिन y कामा x ये डज नॉट बिलोंग्स r है, क्योंकि y तो ऑलरेडी छोटा है और ये जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं y x, x बड़ा है ना, x बड़ा है और y छोटा है, तो यहाँ पे y जो है यहाँ लिखा गया है ये x का काम कर रहा है और ये x जो लिखा है ये y का काम कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये y बड़ा हो सकता है x से? नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने कहा y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो यदि ऐसा है तो यह सममित संबंध नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, यह एक सममित संबंध नहीं है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो जब आप संक्रामक संबंध इसका करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा। संक्रामक संबंध का डिफिनेशन ये होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स आर से है, वाई एक्स वाई जेड ये भी बिलोंग्स आर से है, तो एक्स जेड भी आर से संबंधित होना चाहिए। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि x कामा y बिलोंग्स r से है, बट y कामा x ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है r से। तो जब ये नहीं r से बिलोंग्स कर रहा है तो x, सॉरी यहाँ पे z होना चाहिए, yz, y और z में संबंध नहीं है इस रिलेशन में, तो x और z में कैसे हो सकता है? इसलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो है प्रश्न संख्या सी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न संख्या एक का जो पांचवा भाग है उसका जो है हम लोग डी पार्ट से देखते हैं। इसमें कहा एक रिलेशन दिया है एक्स वाई में, एक्स वाई की पत्नी है, तो सतुल्य के लिए हम लोग देख रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स है आर से, एक्स और वाई का जो है आर से संबंध है। तो एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो वाई कामा एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग x का x से कहें, x x बिलोंग्स आर है या y y बिलोंग्स आर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? x का x से हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? और y का y से ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि x जो है y की पत्नी है, x पत्नी है, और तो x स्वयं का स्वयं से हो सकता है क्या? स्वयं आदमी स्वयं का पत्नी नहीं हो सकता है, और ना ही स्वयं स्वयं का पिता हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए x कामा x डज नॉट बिलोंग्स करेगा r से और y कामा y डज नॉट बिलोंग्स करेगा r से, इसलिए इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, यह एक सतुल्य संबंध नहीं होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए सममित के लिए x कामा y बिलोंग्स हैं आर से, तो वाई कामा यक्स नहीं हो सकते हैं आर से, क्योंकि यक्स जो है ऑलरेडी पत्नी है और वाई पिता है, तो यहाँ पर वाई पत्नी नहीं हो सकता है और यक्स पिता नहीं हो सकता है। क्लियर है? इस प्रकार से तो ये भी क्या होगा, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक, यह एक सममित संबंध नहीं होगा। तो संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक में क्या है,
कि यक्स वाई बिलोंग्स हैं आर से, तो जब वाई यक्स आर से बिलोंग्स नहीं करेगा तो बताइए कि अगला अगर मैं जेड लेता तो यक्स कामा जेड ये कैसे बिलोंग्स करता आर से। तो जब यक्स वाई वाई यक्स नहीं है, ये दोनों फेल हो गया, तो यक्स जेड भी क्या करेगा, ये भी फेल हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यह एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये रहा प्रश्न संख्या एक का, पांचवें का डी पार्ट्स। ये भी पहले का पांचवें का जो पार्ट्स नंबर डी है, डी और ई सेम प्रश्न है, एकदम सेम वही प्रश्न होगा। अभी यक्स वाई का पिता है, यक्स वाई बिलोंग्स हैं आर से, तो स्वतुल्य के लिए जब हम लोग दिखाएंगे तो यक्स कामा यक्स डज नॉट बिलोंग आर करेगा, और वाई कामा वाई ये भी डज नॉट बिलोंग आर करेगा, क्योंकि स्वयं स्वयं का पिता नहीं हो सकता, स्वयं स्वयं का पत्नी भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर पिता का संबंध है, यक्स वाई का पिता है, यानी यक्स जो है वह पिता है किसका, वाई का। तो स्वयं स्वयं का पिता नहीं हो सकता, न यक्स यक्स से बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, और न वाई वाई बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तो इसलिए ये इसको हम लोग स्वतुल्य संबंध नहीं बोल सकते हैं। इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार से यक्स कामा वाई बिलोंग्स है आर से, बट वाई कामा यक्स ये नहीं हो सकता है आर से रिलेशन में, क्योंकि यक्स ऑलरेडी वाई का पिता है, तो वाई जो है यक्स का पिता नहीं हो सकता, इसलिए इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? तो संक्रामक में देख लीजिए, यक्स कामा वाई यदि बिलोंग्स आर से है और वाई कामा यक्स ये बिलोंग्स नहीं है आर से, तो जब ये बिलोंग्स आर से नहीं है तो बताइए यक्स कामा जेड ये कैसे बिलोंग्स करेगा आर से, तो इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है। इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पांचवें का मैंने पांचों पार्ट्स आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।